Dear learners, after going through the discussions regarding financial statements, historical financial statements, and then pro forma financial statements, now let's talk about another important topic that is ratio analysis. Ratio analysis is a tool used to determine the financial health or ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ अ फिशेंसी एक छोटी सी मिसाल से इसको आ, समझने की कोशिश कीजिएगा अगर आप अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स किसी दूसरी कंपनी के साथ कंपेयर कर रहे हों तो आप देखते हैं कि आप अपने प्रॉफिट की फिगर को उसके प्रॉफिट की फिगर से डायरेक्टली कंपेयर उस तरह नहीं कर सकते क्योंकि उसमें बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंटली हो सकता है उस कंपनी का सेल्स वॉल्यूम आपसे डबल हो यू सी तो उस तरह उसका प्रॉफिट भी ज्यादा आएगा लेकिन उस प्रॉफिट के ज्यादा आने का मतलब क्या यह है कि वो कंपनी आपसे बेटर परफॉर्म कर रही है हो सकता है और हो नहीं भी सकता तो कैसे पता चलेगा कि प्रॉफिट वाइज वो कंपनी आपकी कंपनी से बेहतर परफॉर्म कर रही हेयर कम्स द रोल ऑफ रेशो एनालिसिस आप प्रॉफिट मार्जिन की रेशो कैलकुलेट करते हैं। जो कि प्रॉफिट और सेल्स को लेती है और प्रॉफिट और सेल्स की एक रेशो जनरेट होती है आप अपनी कंपनी का भी प्रॉफिट मार्जिन निकालते हैं और जिस कंपनी के साथ आप कंपेयर कर रहे हैं आप उस कंपनी का भी प्रॉफिट मार्जिन निकालते हैं अब ये जो प्रॉफिट मार्जिन है दोनों कंपनी का ये बेसिकली एक ऐसी चीज है जिसको आप कंपेयर अब कर सकते हैं ये वो फिगर है जो आपको बताएगी कि आप उस कंपनी से बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं तो यहां से आप समझिए के रेशोज क्या करती हैं चूंकि आप डायरेक्टली फिगर्स को कंपेयर उस तरह नहीं कर सकते सो यू यूज द टूल ऑफ रेशियो एनालिसिस फॉर कंपेरिजन परपज अगर यूजेजेस की बात करें तो इसमें एक तो इंटर कंपनी कंपेरिजन है कि क्यों आप रेशियो एनालिसिस परफॉर्म करते हैं बिकॉज यू हैव टू कंपेयर योर परफॉर्मेंस अगेंस्ट योर कंपेरिटर्स फिर इसमें एक इंट्रा कंपनी कंपैरिजन भी है कि आप विद इन द कंपनी डिपार्टमेंट्स की परफॉर्मेंस को देखते हैं डिफरेंट एंड देन देनिशिंग फ्यूचर ट्रेंड्स ये भी एक इंपॉर्टेंट यूजेज है रेशियो एनालिसिस का और रेशियो एनालिसिस कंडक्ट करते हुए इसमें डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं डिफरेंट किस्म की असेसमेंट्स की जाती हैं जिसमें आप कुछ रेशियोज प्रॉफिटेबिलिटी के हेड में आती हैं कुछ कुछ रेशोज आपकी लिक्विडिटी को मेजर कर रही होती हैं और कुछ रेशोज आपकी ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेजर कर रही होती रेशोज के हवाले से आपने एक बात याद रखनी है जब भी आप एक रेशो को समझने की कोशिश करेंगे तो उसमें जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताता चलूं आपने जो याद रखने हैं सबसे पहले एक जो रेशो है जो आप कैलकुलेट uh, करने जा रहे हैं उसका पर्पस क्या है you see? फिर उसका फॉर्मूला क्या है लाइक आई जस्ट नेम द रेशो प्रॉफिट मार्जिन तो उसका फॉर्मूला क्या है वो नेट इनकम डिवाइडेड बाय नेट सेल्स देन आपको पता होना चाहिए कि ये जो आइटम्स इसमें आ रही हैं ओके okay, जो नेट इनकम आ रही आइटम्स आपको किस पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मिलनी है दैट्स इंपॉर्टेंट ये आपको पता होना चाहिए ओके okay? और फिर आप उसे कैलकुलेट करें फिर आपको उसका प्रॉपर यूनिट पता होना चाहिए कि ये इसका जो रिजल्टिंग फिगर है ये परसेंटेज में है या ये टाइम्स में है या ये कोई और यूनिट है ओके okay? और फिर फाइनल एंड द फोर मोस्ट थिंग इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आपने इसको इंटरप्रेट करना आपको आना चाहिए वो जो रिजल्ट आप लेंगे अगर आपने प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया है तो वो जितना पॉइंट दिस दिस परसेंट आया है आपको उसको इंटरप्रेट करना आना चाहिए कि इस फिगर को इस रिजल्टिंग फिगर को अब इंटरप्रटेशन इसकी कैसे करनी सो so, हमने जो स्टेटमेंट्स पढ़ी हमारे आ, पिछले टॉपिक्स में हिस्टोरिकल भी पढ़ी हमने प्रोफॉर्मा भी पढ़ी उनको भी देखा हमने कोशिश की है कि आपके लिए उन उन्हीं में से कुछ डाटा लेकर कुछ रेशोज कैलकुलेट करके आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाया जाए कि कैसे रेशोज कैलकुलेट की जाती हैं और फिर इनका इंटरप्रटेशन इनकी किस तरह की जाती है तो so, स्टूडेंट्स यू कैन सी ऑन द स्क्रीन रेशो एनालिसिस इसमें हमने तीन बेसिक हेड्स लिए हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ लिक्विडिटी रेशोज़ एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रेशोज़ प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ में अगर आप देखें तो तीन बुनियादी तौर पर हमने रेशोज़ ली हैं रिटर्न ऑन एसर्ट्स रिटर्न ऑन एक्विटी एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन इसी तरह ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी हो सकता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी हो सकता है सो so, ये एक यू सी एक ब्रॉड इसमें चीज़ें आती हैं लेकिन हमने फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कुछ की रेशोज आपके लिए सिलेक्ट की रिटर्न ऑन एसेट्स को देखें तो इसका फार्मूला आपके सामने है नेट इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट्स और एवरेज टोटल एसेट्स कैसे निकालने हैं ईयर के एसेट्स आपने लेने हैं टोटल उससे पिछले साल के टोटल एसेट्स एंड उनका जो एडिशन उसको डिवाइड कर दें टू पे तो ये आपका क्या आएगा एवरेज टोटल एसेट्स तो इसको जब आप डिवाइड करते हैं तो आपके पास एक रिजल्टिंग फिगर आता है जो आप देख रहे हैं थ्री इयर्स के लिए थर्टीन पॉइंट एट है ट्वेल्व पॉइंट फोर है एट पॉइंट नाइन वन है सो फ्रॉम सिक्सटीन टू एटीन ये हमें रिजल्ट दिखा रहे हैं कि रिटर्न ऑन एसेट्स जो है वो इंक्रीज हो रहा है यानी आपने जो रिसोर्स लगाए हैं एसेट्स आपके रिसोर्स होते हैं बिजनेस के उनके अगेंस्ट आप कितना अर्न कर रहे हैं ये आपको ये रेशो बता रही है ठीक है ना दो आपके मेन रिसोर्स होते हैं आपके जो आपके मेन जो रिसोर्स एसेट्स हैं उनके अगेंस्ट सोर्सेज दो होते हैं जिसमें एक आपका डेट है और एक आपकी एक्विटी है जो आपने अपनी जेब से उसमें कंट्रीब्यूट किया तो जो हमारी यहाँ सेकेंड रेशियो है ये आपके उस सोर्स पर आपको रिटर्न शो करती कि कितने परसेंट आप अर्न कर रहे हैं अपने कंट्रीब्यूटेड uh, एक्विटी पर और थर्ड रेशो जिस पर अभी हम बात करके आए हैं कि इनकम ओवर सेल्स और आप देखते हैं कि आपका प्रॉफिट मार्जिन क्या फोर्टीन पॉइंट एट परसेंट है यानी आप यूं कह लीजिए कि हर सौ की सेल्स uh, पर आप चौदह अशारिया आठ रुपये कमा रहे हैं बहुत आसान अल्फाज में अगर आप इसे समझना चाहें तो आप यूं कह सकते हैं कि आप हर सौ रुपये पर कितना अन कर रहे हैं चौदह आशारिया आठ रुपये और किसी और कंपनी से अगर आपने कंपेयर करना है तो आपने यही देखना है कि वो कितना अन कर रहे हैं फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि आप बेहतर जा रहे हैं या आपकी कंपेटिटर कंपनी बेहतर जा रही लिक्विडिटी रेशोज में हम ये देखते हैं कि कंपनी अपने जो है एसेट्स को कितना क्विकली लिक्विडेट कर सकती है और अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन जो विद इन वन ईयर ड्यू होती हैं उनको कितना बेहतर मीट कर सकती है। इसमें जो की रेशोज हैं वो करंट रेशो और क्विक रेशो है करंट रेशो में करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज और आपको पता है ये दोनों फिगर्स हमें कहां से मिलेंगी बैलेंस शीट से मिलेंगी 2.90 पॉइंट नाइन जीरो फॉर दर टू 2018। अगर इसको भी मैं आपके लिए बहुत सादा अल्फाज में रखूं तो आप यूं समझ लीजिए एक रुपए की करंट लाइबिलिटी पे करने के लिए आपकी जेब में दो रुपए नब्बे पैसे यूसी यानी एक रुपए की लाइबिलिटी पे करके भी आपके पास एक आशारिया नब्बे एक रुपया नब्बे पैसे बच जाएंगे इसका मतलब है आपकी लिक्विडिटी पोजीशन बहुत अच्छी है कि आप पर ड्यू अगर एक रुपया है तो आपके पास आपकी जेब में दो रुपये नब्बे पैसे हैं सो दैट्स हाउ यू सी योर लिक्विडिटी पोजीशन और क्विक रेशो भी इसी की एक रिफाइंड फॉर्म है सिर्फ इसमें एक काम हम ये करते हैं कि इसमें हम करंट एसेट्स की जगह क्विक एसेट्स लेते हैं और क्विक एसेट्स में हम वो वाला करंट एसेट निकाल देते हैं जो बहुत जल्दी लिक्विडेट नहीं हो सकता जैसा कि इन्वेंट्रीज होती तो हम सिंपल करंट एसेट्स में से इन्वेंट्रीज माइनस करते हैं और बाकी जो हमारा फिगर है उसको करंट लाइबिलिटीज पर डिवाइड कर देते हैं और इन फिगर्स को आपको मैं बताता चलूं कि ये जो रेशोज हैं आपकी इसको फिर आप किसी बेंच से या इंडस्ट्री एवरेज से कंपेयर करके देखते हैं कि आप इस वक्त यू नो कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं आप बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं या बेहतर परफॉर्म नहीं कर रहे सो so, इसी तरह अगली स्क्रीन पर आप देखें तो आप देख सकते हैं कि वही चीजें वही रेशोज बट हमने हिस्टोरिकल का डाटा लेके आपके लिए ये रेशोज कैलकुलेट की एंड इन द सेम वे हमने आपके प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट से भी डाटा लिया और 19 और 20 2020 के लिए भी प्रोजेक्टेड रेशोज आपको दिखाएं सो दैट्स हाउ यू कैन परफॉर्म रेशो एनालिसिस ये कुछ स्पेसिफिक की रेशोज थी जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आप इस पर मजीद सर्च कर सकते हैं पढ़ सकते हैं डिफरेंट हेड्स में और कौन कौन सी पॉसिबल रेशोज़ हो सकती हैं सो यू कैन सर्च दैम आउट और इस तरह आप अपने कंपनी की रेशो एनालिसिस परफॉर्म करके आप देख सकते हैं Where you are actually standing.